शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जनपद के 32 परफॉर्मेंस ग्रांट वाले गांव से शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किए जाने वाले डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मदद ली जाएगी। इसी के साथ सफाई कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि कूड़ा कलेक्शन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मनरेगा की मजदूरी 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा कूड़ा देने वाले घरों से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। डीपीआरओ ने बताया कि 6 महीने तक फ्री में कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। डीपीआरओ ने बताया कि कलेक्शन किए गए कूड़े को डंप करने के लिए ग्राम पंचायतों में ही बड़े बड़े गड्ढे बनवाए जाएंगे और अनुपयोगी कूड़ों को गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा तथा उपयोगी कूड़ों से जैविक खाद बनाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, ये भी इंदलपुर है, नाम नहीं है, दो सफाई कर्मी की नियुक्ति कर दी गई है। भारत मिशन फेज टू में जो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर है, इसमें हम लोग प्रयोग के तौर पे जैसे अभी शहरी क्षेत्रों में कई जगह कूड़ा उठाने का है, डोर टू डोर कूड़ा का कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद एक जगह उसे फेंका जाता है, जमा किया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ के तौर पे 32 ग्राम पंचायतें जिन्हें परफॉर्मेंस ग्रांट मिली है, उन 32 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। वहाँ पे हम लोग एक स्वयं सहायता समूह का चयन कर रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कूड़ा उठाने के लिए जो कूड़ा गाड़ी होती है वो दिया जाएगा, उनके साथ जो हमारे सफाई कर्मी जो होते हैं पंचायती राज विभाग के उनको भी क्लब किया जाएगा, वो लोग साथ में उठाएंगे, वो कूड़ा गाड़ी का प्रयोग करके घर घर कूड़ा कलेक्ट करेंगे, करके एक टेम्पररी अभी सेट बनाया जा रहा है, वहाँ सेट परमानेंट बनाया जाएगा जहाँ की कूड़े को कलेक्ट किया जाए, को कलेक्ट करके फिर अलग अलग किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा, जो कूड़ा खाद बनने योग होता है ऐसा वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जिससे खाद बना सकते हैं, वेजिटेबल वेस्ट या गोबर या ऐसा कोई जो वेस्ट है उसको अलग करके उसके जरिए जो हर ग्राम पंचायत में हमको पता है कि बर्मी कंपोस्ट और नाफेड कंपोस्ट हम लोग पिट बना रहे हैं उसमें उसको डाल दिया जाएगा। अब बाकी कूड़ा जो रहेंगे प्लास्टिक या ऐसे कूड़ा जो कि तुरंत ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई रिसाइकिलिंग तुरंत नहीं हो सकती वहाँ पर, जिसका कि यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, उस ऐसे कूड़े को एक गड्ढा करके उस गड्ढे में डाल दिया जाएगा। गड्ढा बनाया जा रहा है, हर ग्राम पंचायत में एक स्थान ग्राम सभा में खोजी जा रही है जहाँ पर कि बड़ा सा गड्ढा बनाया जा रहा है, वहाँ पर इन 32 ग्राम पंचायतों में जो भी कूड़ा ऐसा कूड़ा जिसको कि हम लोग खाद में नहीं तब्दील कर सकते उसको गड्ढे में डाल दिया जाएगा। हाँ, क्या चार्ज होगा इसका? हाँ, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं उनको अभी जो मनरेगा के मजदूरों का जो दर है उस दर से प्रतिदिन का मानदेय का भुगतान, प्रतिदिन का जो मजदूरी का भुगतान है किया जाएगा अगले 6 महीने तक। उस बीच में उन्हें यूजर को मोटिवेट करना पड़ेगा, ग्रामीणों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि उनके घर से जब कूड़ा कलेक्ट कर दे वो मोटिवेट होंगे, फिर उनसे एक चार्ज जो है 50 रुपये की चार्ज जो पर मंथ वो कलेक्ट किया जाएगा, उस चार्ज से जो है जो भी धनराशि कलेक्ट होगी उससे फिर आगे जो है स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं रहेंगी उसका मान दे दिया जाएगा। तो क्या मकसद है सर इसका? इसका मकसद ये है कि कूड़े गाँव और शहर में भी देखिए कोई अंतर नहीं है, गाँव में भी बड़े बड़े घरें हैं, गाँव में भी आज कल कारखाने छोटे छोटे कारखाने चलते हैं, गाँव में बिजनेस होता है, गाँव में भी सब कुछ है जो कुछ शहर में है। तो गाँव में अगर शहर में कूड़ा का कलेक्शन होता है तो गाँव में क्यों नहीं कूड़ा कलेक्शन हो सकता है घर घर, ताकि गाँव जो है स्वच्छ रहे, साफ रहे, जो स्वच्छ भारत मिशन की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप जो है गाँव हमारा जो गांधी जी का रामराज का जो सपना है वो सपना पूरा हो सकता है।